अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। दोस्तों आज बच्चों का पिकनिक मनाने का दिन है, आज ईद का तीसरा दिन है। तो बच्चे यहाँ पर चिड़ियाघर आए हैं, कोरंगी नंबर 4 के चिड़ियाघर ये बच्चे आए हैं मेरे। और ये अभी शुतुरमुर्ग देख रहे हैं, ये देखें। तो ये बच्चों के लिए एक अच्छी तफरी है, अगर ये बच्चों की मम्मा के खर्चे पर हो तो ये और ज़्यादा अच्छी तफरी है। मैं आपको अभी और भी जानवर दिखाऊंगा। बच्चों आप खुश हो रहे हो चिड़ियाघर आकर? हाँ ये बच्चे खुश, और आप भी खुश हो रही हो चिड़ियाघर आकर? बताओ चिड़ियाघर कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। अच्छा क्या खाओगे भाई, तुम क्या बोल रहे हो? गोलगप्पे खाओगे। अच्छा चलो इन्हें गोलगप्पे खाने, तो आज ये मम्मा के खर्चे पर आए तो मम्मा इन्हें गोलगप्पे भी खिलाएंगी। अभी रुक जाओ बेटा, अभी खिलाएंगे। ये देखिए ये यहाँ पर वाइट मोर हैं इस पिंजरे में, और ये बहुत प्यारे लग रहे हैं। हाँ भाई बच्चों आपको वाइट मोर कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं। इधर देख के बताओ कैमरे की तरफ। अच्छे लग रहे हैं। अच्छा ये फैमिली के लिए छोटी मोटी पिकनिक का एक बहुत अच्छा ज़रिया है। यहाँ पर बच्चे आके खुश हो जाते हैं जानवर और परिंदे देखकर। और लो बजट में जो है ना आपकी एक अच्छी सी पिकनिक हो सकती है। अगर आप लांडी कोरंगी में रहते हैं तो ये 4 नंबर का ज़ू आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा, ये आपको इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। ये देखें अभी मैं आपको और भी जानवर दिखाऊँगा इंशाल्लाह। ये देखें दोस्तों इस पिंजरे के अंदर पोमा है, और इसकी जाए वकू अमेरिका कैनेडा है, ग़िज़ा इसकी गोश्त है, और ये सब कुछ इसकी डिटेल लिखी हुई है। तो ये जो पोमा है ना ये यहाँ अंदर बिल्कुल कोने पर बैठ के ये आराम फरमा रहे हैं, क्योंकि बकरा ईद का तीसरा दिन है, इन्हें गोश्त मिला हुआ है भरपूर। ये रेस्ट कर रहे हैं बिल्कुल कोने पर और आराम कर रहे हैं। ये शेर चीते से थोड़ा से छोटे होते हैं ये, और बिल्ली की नस्ल है समझ लें आप। तो ये भी जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको वाजे नज़र आएगा, ये कोने में अंधेरा हो रहा है वहाँ पर हैं ये ऊपर। ये नील गाय का पिंजरा है, ये देखें आप, ये नील गाय खड़ी हुई है और ये हमें देख रही है कि ईद के तीसरे दिन ये इंजॉय करने की बजाय ये हमें देखने के लिए आ गए हैं। ये अपनी तिक्का बोटियाँ छोड़कर हमें देख रहे हैं, ये देखें आप। ये देखें दोस्तों ये ऑल टाइम फेवरेट, ये देखें दोस्तों ऑल टाइम फेवरेट ये बंदरों का पिंजरा। नहीं होगा बेटे, नहीं होगा। तो ये बंदर का पिंजरा है, और ये बच्चे, ये देखें दोस्तों ऑल टाइम फेवरेट ये बंदरों का पिंजरा। नहीं होगा बेटे, नहीं होगा। तो ये बंदर का पिंजरा है, और ये बच्चे बड़े शौक से देख रहे हैं बंदर को। वो उसकी मम्मा ले गई उसको घुमाने दूर, तो ये बच्चों को साथ साथ बहलाया भी जा रहा है, बताया भी जा रहा है, बच्चों के सवालों के जवाब भी दिए जा रहे हैं। और ये बंदर मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देखें। तो ये 4 नंबर के चिड़ियाघर पर ये बंदर भी मौजूद हैं। देखें दोस्तों ये यहाँ का वाटर पार्क है, इसमें बच्चों के लिए छोटी छोटी कश्तियाँ रखी हुई हैं। तो अभी हमारी बेटी इस पर ज़िद कर रही है कि मैं इसी कश्ती में बैठूंगी। ये कम से कम 5 साल के बच्चों को अलावे और छोटे बच्चे नहीं बैठ सकते, ये भी तकरीबन 2 साल की हैं। मैं आपको ये हिरन दिखाता हूँ जब तक, ये देख। और मरियम को काट ले, हिरन हिरन मरियम को काट ले। हिरन आप क्या बोल रही हो, काट बाबा को काटे? नहीं नहीं मरियम को काटो।
देख रहे हैं दोस्तों आप, यहाँ बच्चों का दिल लग जाता है थोड़ा सा, एक हल्की फुल्की सी तफरी हो जाती है। ये देखें देखें, इसने ज़िद करी हुई है कि ये उस छोटी बोर्ड पे बैठेगी। ये देखें दोस्तों, ये है यहाँ का वाटर पार्क, इस चिड़ियाघर का। और बच्चों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त तफरी है, आप देख सकते हैं बच्चे किस तरह से ये छोटी छोटी बोट को चला रहे हैं। ये मैं आपको इसका ओवरव्यू देता हूँ। अच्छे खासे दरख्त लगे हुए हैं और बिल्कुल ग्रीन हुआ हुआ है, ये अच्छी ग्रीनरी है यहाँ पर। हाँ भाई, हैदराबाद आ गया या नहीं आया अभी?